दुआ है आप सब अच्छे रहो। चलिए दोस्तों, आज हम नेचुरल ड्राइंग में फ्लावर किस तरह बनाया जाए, आसान तरीका और ज्योमेट्रिकल तरीका दोनों बताएंगे मैं आपको। यहाँ देखिए, एक दायरा बनाया हमने, उसका मरकज से मिलता हुआ वाई की तरह एक शेप हमने बनाया और दो हिस्से उसके बड़े छोड़े हमने, वाई की तरह दो हिस्से बड़े, उसका आधा करेंगे हम दो हिस्सों का, उसको सेंटर से मिला देंगे। इस तरह से पांच सेम हिस्से तैयार हो गए, बन गए। अब देखें, इस पूरे पांच हिस्से में हम पंखुड़ियाँ बनाएंगे। देखेंगे ज्योमेट्रिकल चांदे की मदद से और प्रकार की मदद से किस तरह हम फूल बनाएं। तो आप जानते हैं कि दायरे का रकबा पूरा गोल 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री को पांच से हम तकसीम करेंगे, क्योंकि पांच हिस्से करना, इसलिए यहां पर आएगा। तो देखिए, इसको हल कर रहे हैं हम, 5 × 7 = 35, 36 में से 35 गए, एक बचा, 0 लगाएं 10 हो गए, 5 × 2 = 10, तो ऊपर आ गए 72, 72 डिग्री जाविये का होगा एक हिस्सा। तो हम चांदे से मरकज से मिलता हुआ खत को इक्वल करना है, खत की इक्वल वहाँ से 0 से गिनना है 72, 7 और 2 वहाँ पर नुक्ता लगाएं और उसको सेंटर से मिलाना है। अब एक हिस्सा हमको मिल गया। अब इसी माप के सेम पांच हिस्से उसमें होंगे, तो प्रकार की मदद से हम इसका माप लेंगे, मेजर लेंगे और हर तरफ क्रॉस करते जाएंगे सेम पैमाइश के, तो हमको पांच मसावी हिस्से मिलेंगे 72 डिग्री के। अब उसको हर नुक्ते को मरकज से मिलाना है। इस तरह से हम पांच जिली शक्ल भी बना सकते हैं या एक दायरे के पांच हिस्से भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। फूलों की पंखुड़ियों के जो शेप है मुख्तलिफ होते हैं, तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, तो यहाँ सदाबहार का पंखुड़ियाँ ऐसी होती है, तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो उसकी जो नोक है वो आने के लिए हर हिस्से के बीच में उसका नुक्ता लेंगे पंखुड़ियों के किनारे के लिए, और सेंटर से एक छोटा सा दायरा हम खींचेंगे ताकि हर पंखुड़ियाँ उससे जुड़ी रहें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे नोक तक। पत्ते जो हैं, पंखुड़ियाँ जो हैं, वो बैलेंस लेना है आपको नुक्ते से। रियल में पंखुड़ियाँ छोटी बड़ी कोती हो सकती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमको सही बनाना है। कुछ फूल की पंखुड़ियाँ इस तरह से भी होती है, पांच होती है लेकिन ऐसी नोक वाली होती है सिंपल, तो उसे भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। उसका दायरा साफ कीजिए। ये होने के बाद अब हम उसकी डंठल, डंडी वगैरह, शाखें और पत्ते बनाते हैं। देखिए इस तरह से। अब सदाबहार के जो पत्ते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, फूल से लंबे होते हैं और नोक वाले नहीं होते हैं, उसका किनार गोल होता है। अभी हमने सदाबहार का फूल देखा, अब हम जासुंदी यानी हिबिस्कस का फूल किस तरह से बनाएंगे। इसमें भी पांच पंखुड़ियाँ होती हैं, तो चलिए हम सबसे पहले बीच में एक सर्कल बनाएंगे जो पहले हमने बनाया था। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो इस तरह से होती है, किनारे उसके जिगजैग की तरह लयदार होते हैं। एकदम फ्रंट का है, एकदम सामने ऊपर से हम देख रहे हैं,
ये उसका लुक है। थोड़ा क्रॉस दिखने के बाद यही फूल जासूंदी का फूल किस तरह से नज़र आता है, तो यहाँ देखिए हमने एक बेजू शक्ल बनाई है अंडे की तरह, और उसके इस तरह से पांच हिस्से हमने किए हैं कोस की तरह कट। बीच की जो डंठल होती है जिसे जीरे लगे होते हैं वो इस तरफ लेना है जिस तरफ उसका झुकाव है फूल का, उस साइड में उसकी ये लेना है डंडी और उसे जीरे लगाना है इस तरह से। पत्तों का शेप किस तरह से होता है और उसे किस तरह से बनाया जाता है, तो बीच में से एक डंडी हमने खींचे और उसके दोनों साइड, इस डंडी के दोनों साइड इक्वल पार्ट लेना है उसका इस तरह से। पत्तों की मुख्तलिफ शेप है और ये उसकी रगे हैं, कुछ पत्ते इस तरह से होते हैं, आग की तरह शेप बनाना, उसके बीच में रगे बनाना, ये हो गया दूसरा तरीका। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, ये हैं सदाबहार का पत्ता, किनार नोक के लिए इसकी नहीं है, इसकी राउंड है। कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से भी होते हैं, किसी किसी के किनार नोकदार होती है, उस पर जिगजैग लाइन होती है, यहाँ पे नोक होती है आरी की तरह, करवत की तरह इस तरह से। अब हम पत्तों को मुड़ा हुआ बनाएंगे, मुड़े हुए किस तरह से नज़र आते हैं, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इन्हें बनाने का तरीका देखिए, इस तरह से गौर से देखिए, we'll be right back।